चालू करो लगन बोलो। हाँ हाय, मेरा नाम प्रवीण है और आज हम आपको ऑटो ऑयल मशीन में आवाज़ क्यों आता है उसके बारे में बताएंगे, ठीक है? तो देखिए, चलिए वॉश करो। तो आप देख सकते हो ये ऑटो ऑयल मशीन है और इसमें बहुत बार आवाज़ ऐसे आता नहीं, अगर आए देख लीजिए, देख सकते हो। जैसे मैंने थोड़ा सा टाटा बड़ा किया तो हमें ध्यान से देख लेना है, ये आवाज़ आ रहा है। अब इसे हमें बहुत आवाज़ का पक्का नहीं होता, तो आप पहले देख ले कि आवाज़ हम ऐसा आवाज़ क्यों आ रहा है। मैंने दाब खोला, ये आवाज़ हमारी जो ये दाती है प्लेट में टच हो रही है, आप देख सकते हो प्लेट में टच हो रही है, इसकी वजह से ये आवाज़ आ रहा है, ठीक है? तो इसे हमें अभी हमें दाती एडजस्ट करनी पड़ेगी तब जाके आवाज़ बंद होगा, आप देख सकते हो। तो इसे मैंने ऐसा किया, ठीक है? आप यहाँ से भी कर सकते हो और आप यहाँ से भी कर सकते हो, पंप के बाजू में एक छोटा सा स्क्रू है, ठीक है? मैं ज़्यादातर यहीं से करता हूँ। इसे मैंने ढीला किया और ढीला किया मैंने इसको, और देखिए अब मैं दांत थोड़ी सी आगे ले लेता हूँ, ये मैंने दाती को थोड़ा सा आगे ले लिया और इसे मैं वापस टाइट कर देता हूँ, खड़े रहोगे? इसे मैंने वापस टाइट कर दिया और वापस हम अपनी मशीन को अपने मूवमेंट में ही रखेंगे। तो अभी आप देखिए, मैं चेक कर लेते हैं कि आवाज़ हमारा बंद हुआ है कि पूरी तरह से, देखिए बिल्कुल आवाज़ बंद हो चुका है, स्मूथ हो गई है मशीन, ठीक है? और बहुत बार ऐसा भी होता है कि दाती अगर नहीं लग रही हो, अगर हमारे से कहीं नीडल भी उल्टी लग जाती है तब भी होता, तो आप नीडल बिठाने का तरीका भी देख लीजिए, होल के ऊपर एक पूरा प्लेन भाग है, आप देख सकते हो, और जो दूसरी साइड होल के ऊपर पूरा खाच वाला भाग है, जो खाच वाला भाग है उसे हमें बाहर रखना है और जो प्लेन भाग है उसे हमें अंदर रखना है, ठीक है? ये लिया मैंने, ऐसे लगाया और इसे टाइट कर दिया, और ये तरह ये जो आवाज़ था ये दाती की वजह से था। बहुत बार शटल में भी आवाज़ आता है, आप देख सकते हो बिल्कुल आवाज़ बंद हो गया। अब हम वापस प्रेशर पंप जो हमने खोला था इसे वापस लगा देते हैं, और एक बार सिलाई मार के चेक कर लेते हैं, कभी कभी सिलाई लगाते हुए भी आवाज़ आ सकता है। इसके लिए जब मैंने धागा लिया, धागा डालना आपको पता ही होता है, क्योंकि मैं एक बार फिर से आपको याद दिला देता हूँ, ये देख सकते हो तीन होल लगे हुए हैं, थ्री पिनों में, थ्री पिन बोलते हैं हम लोग इसे, ये तीनों में से आप किसी में भी डाल सकते हो। पहले मैं डाला, इसके बाद आप देख सकते हो ये टेंशन सेट में दो डिश है, उसके बीच में मैंने ऐसा पकड़ा और यहाँ पकड़ के रखी कि प्रेशर आएगा यहाँ से, ये जैसे ही अंदर आएगा वैसे ही ये तार के अंदर ले लेना है, तो तार के अंदर लिया, ये तार हमेशा वर्क करते हुए होना चाहिए, इसे यहाँ से सीधा मैंने इसके अंदर लिया, ठीक है? कि जब तक आप इसमें नहीं डालोगे तार वर्क नहीं करेगा, फिर वहाँ से सीधा इसमें, यहाँ से फिर आप इसमें ले सकते हो, किसी किसी में नहीं होता है इसके लिए, और यहाँ से सुन और हमेशा की तरह मेरी आदत है व्हील एक बार घुमा लो उसके बाद नीचे वाला धागा ऊपर ले लो,
सही से नहीं आया है, इसके लिए मैं डब्बी वापस निकालता हूँ। और फिर हमारी बॉबिन ख़त्म हो गई है, पॉज कर एक बार फिर से माफ़ करना, माफ़ कर देना। धागा ख़त्म हो गया था, ये मैंने रखा, ये दोनों पेचा को साइड में रखूं और आप एक बार सिलाई मार के देख लें। लुक एट दिस, देखिए एक जैसा एकदम मोतियों जैसा एक जैसा दाना आ रहा है, ठीक है। इसके बाद किसी अगर टेलर हो आप तो यहाँ देख लीजिए, हमें इसे डेढ़ पे कर लेना है, 1.5 पे। ये टाका एडजस्ट के लिए है, 0 से लेके 5 तक दिया गया है, ठीक है। आप जितनी चाहे उतनी सिलाई देख सकते हैं, और मैं टेलर के हिसाब से छोटी सी ले रहा हूँ, ठीक है। अगर हमारा चैनल आपको पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, कि आपको मशीन के बारे में हर चीज़ सबसे पहले मिल जाएगी यहाँ पर।